हिसार के कांग्रेस भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तीन बड़े नेता, जी हाँ, बीजेपी के तीन बड़े नेताओं के नाम आगे आ रहे हैं कि वो तीनों आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, सबसे पहले आधार न्यूज हरियाणा पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसके बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी में उथल पुथल मचती हुई भी नजर आ रही है। मेरे सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाहर भी इतनी भीड़ नजर आ रही है और अंदर जो है अंदर भी एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ताजा स्थिति क्या है। जी हाँ, आज कांग्रेस भवन में तीन बड़े नाम इस समय सामने आ रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के स्तंभ कहा जा सकता है कि वो तीनों ही बीजेपी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और उन्होंने अब बीजेपी को अलविदा कह दिया है और कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और उनको ज्वाइन करवाने के लिए पार्टी के अध्यक्ष जो है उदय भान सिंह जी वो स्वयं यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद भी हैं और जो लगातार इनसे बातचीत जिनकी हो रही थी दीपेंद्र हुड्डा की, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं और साथ के साथ में जयप्रकाश जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस हिसार जिला के, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उससे पहले तीन नाम जो है जो आगे आ रहे हैं उन नामों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने एक नाम के बारे में कहा था आपको, करण सिंह रानोलिया। जी हाँ, 17 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे करण सिंह रानोलिया जो कि बीजेपी में थे और अब वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उनके साथ ही और भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं, दिलबाग सिंह आर्या जो कि 56 साल से संघ में रहे हैं, संघ जो मजबूत स्तंभ रहा है और संघ का जुड़ाव हमेशा बीजेपी से रहा है, उन संघ में रहे हैं और उनका जो प्रशिक्षण होता है द्वितीय प्रशिक्षण में वो रहे हैं। और इसके बाद एक और बड़ा नाम सामने आता है, जी हाँ, वो नाम है कैप्टन कृष्ण बंगला। जी हाँ, कैप्टन कृष्ण बंगला जो है वो एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, जिला के मीडिया प्रभारी ताकि मंच की कार्यवाही को आपके सहयोग से सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जो भी साथी दाएं बाएं खड़े हैं उनसे विनती है कि पंडाल में आपके लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, यहाँ आकर आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि मंच की कार्यवाही को आपके सहयोग और समर्थन से शुरू किया जा सके। सभी साथियों से विनती है। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बताया तीसरा नाम कैप्टन कृष्ण बंगला। जी हाँ, कैप्टन कृष्ण बंगला जो कि एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और सैनिक प्रकोष्ठ के जो है जिला मीडिया प्रभारी भी हैं, वो भी आज कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल होने वाले हैं। उसके लिए जो है स्वयं यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं। जी हाँ, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं क्योंकि तीन बड़े नेताओं को वो इस समय कांग्रेस में शामिल करवाने वाले हैं। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मीडिया से आए वैसे पत्रकार और छायाकार बंधुओं का या पत्र पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो करण सिंह रानोलिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, लगातार आप इन्हें ढूंढ रहे हैं कि आपकी निगाहें इन्हें ढूंढ रही है कि उनसे बातचीत की जाए। आज किस तरह का कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है इतने बड़े स्तर पर, उसको लेकर के जो तैयारियां की गई है वो भी उनसे जानेंगे। करण सिंह रानोलिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप कांग्रेस में जुड़ने वाले हैं और एक बहुत अच्छी खबर इस समय आई है, सभी की पूरे शहर की निगाहें आपके ऊपर है, हर कोई आपको सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि आप क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे अब, आज किस तरह की तैयारियां हुई है और सुना है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आने वाले, उदय भान जी जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर आने वाले, जयप्रकाश जी भी यहाँ पे आने वाले, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके जो आधार मूल्य जितने भी आपके दर्शक हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और आज का दिन मैं तो ये कहूँगा कि हिसार के लिए एक राजनीतिक पुल अलग से खिलेगा और जिस प्रकार से आप वो मेरे समर्थक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में थे और आज पाड़ा बदल करके कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमारे बीच इस प्रदेश की युवाओं के दिलों की धड़कन और हमारे राज्य सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और हिसार जिला के प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश जी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, उन सब की मौजूदगी में ये सभी लोग कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और
आप जिस प्रकार से चेहरे इनके देख रहे हैं, इस प्रकार से खिले हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ और कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी से ये सब लोग नाराज थे, आज एक नई उमंग नई नए उत्साह के साथ ये लाइट वाले से मेरा अनुरोध है, आपकी जो गाड़ी खड़ी है टाटा एस, इसको कृपया साइड में लगा दीजिए आप। हेलो, हाँ जी, तो सर बिजली वाले साथी से मेरा अनुरोध है, कौन कौन ज्वाइन करने वाला है ये बताएं। हेलो, अभी थोड़ी देर में मैं आपको लिस्ट उसकी दूंगा और बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस भवन में भी राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम जी, पूरी टीम, पूरी टीम आपके साथ है। राम राम जी, राम राम, आयो अभी आ रहा हूँ, दस मिनट में। जी सर, सुना है जी, आर्य जी, हाँ जी, 56 सालों से संघ से जुड़े हुए, हाँ जी, 56 सालों से द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं, हाँ जी, और 3 साल तक प्रचारक जो संघ के रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मातृत्व संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन आज गलत नीतियों के कारण बीजेपी की वो संघ को छोड़ करके आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और हमारे कैप्टन किशन बंगला जी, जी, जिनके पास भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ हमारा है, उसके ये मीडिया के प्रमुख और एससी मोर्चा के विधानसभा आदमपुर के प्रभारी हैं, लेकिन वो भी आज बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करे। ऐसे और अनेकों कार्यकर्ता हैं, उनकी सूची में थोड़ी देर बाद में दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बड़ी अपडेट इस समय सामने आ रही है। दिलबाग सिंह हुड्डा जी से भी बात कर लेते हैं लगातार, सॉरी आ रही है, दिलबाग सिंह आर्या जी से भी हम बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सर ये बताएं, इतने सालों से आप 56 साल से लगभग संघ में रहे, ऐसा क्या दिक्कत आई, ऐसी क्या समस्या आई कि आपने जो है बीजेपी छोड़कर या संघ को छोड़कर के आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता कि संघ की कथनी और करनी में अंतर है। ये जो लोग बोलते कुछ हैं और सुनते कुछ हैं, इन्होंने समाज को धर्म में, वर्ग में, जाति में, आपका गुजरात में पटेल गैर पटेल, महाराष्ट्र में गैर मराठा, हरियाणा में जाट गैर जाट, इस प्रकार की बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था और इन बातों से मत भी होने पर मैं आज मुझे बहुत खुशी मन से निर्णय लेना पड़ा जी। तो क्या ये जो समस्याएं जो अभी आ रही है, क्या ये पहले भी ऐसी दिक्कतें आ रही थी या अभी आई है या लंबे टाइम से? पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले अनुशासित पार्टी थी, सत्ता से आने से पहले बड़ा ईमानदारी करते बात किया करते थे, लेकिन आज सत्ता आने पर सब जो है ना वही हो रहा है जो बाकी पार्टी में। यानी कथनी और करनी में अंतर आ गया, बदलाव आ गया, बदलाव है, बहुत बदलाव है। तो जो दूसरे नेताओं का हमारे माध्यम है, एक मिनट सर, एक मिनट, में मंत्री रहे, दो मिनट सर, मोदी एक सेकंड। तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो पहले नेता थे जिनको दूसरी पार्टियों में कहा जाता था कि भ्रष्टाचारी हैं, उनको जैसे पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या सारी पार्टी ही कांग्रेस की, दूसरे दलों की, लोकदल की सारी भाजपा है? हरियाणा ही बात करें, कितने एमएलए इनके पास, कितने एमएलए आज, कौन आदमी है जो भ्रष्टाचार ने नहीं अपनाया? ये कहते हैं हमारे पास आने पर हम उसको गंगा में साफ कर देते हैं। अरे मैंने कहा गंगा खुद ही बहली होगी, आप क्या साफ करोगे? बिल्कुल, एक बड़ी अपडेट इस समय दे रहे हैं कि किस तरीके से इनका कहना है कि उनकी नीतियों से दुखी होकर के कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर आ गया, जिसलिए जो है बीजेपी को त्याग दिया है और बीजेपी को छोड़ करके संघ को त्याग दिया, संघ को त्याग दिया है और संघ के जो 56 कांग्रेस अब ज्वाइन कर रहे हैं। और विधिवत रूप से आज दीपेंद्र हुड्डा जी जो है इनसे आज रूबरू हुए हैं और उन्होंने जो है अब वो इनको ज्वाइन करवाने वाले हैं। एक बात और बताता हूँ आपको, अनेकों कार्यकर्ता जो आपातकालीन में संघ के प्रचारक रहे हैं, उनमें से हर्षमोहन भारद्वाज ने आपको देखा होगा, मेरे बहुत पुराने साथी 50 साल के, और अब इतनी लंबी लाइन लगेगी, उन पर दबाव डाला जा रहा है, रणजीत रावली के पास सीएम के फोन आ रहे, आप मत जाओ, ये कहने लगी कि अब क्या हो गया, 8 साल हो गए मैं आपके साथ रहा, अब क्या हो गया? तो आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में अनेकों हजारों कार्यकर्ता इनको छोड़ कर आएंगे, यानी अब लाइन लगने वाली है, लाइन लगने वाली है, ये लिख लो 6 महीनों के अंदर लाइन लग जाएगी, इनसे समझ नहीं जाएगी। आदमपुर की हार या जीत पर क्या कहेंगे, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी आदमपुर उपचुनाव? देखो जी, मैंने तो 2-4 दिन में गया हूँ, लग रहा है कि हार जीत का तो भी पता नहीं है, लेकिन मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है, आप खुद ने बहुत रोचक मुकाबला होगा। ठीक है ना, मुकाबला किस किस के बीच हो सकता है? मुकाबला तो कुलदीप का और
कांग्रेस के बीच रहे हो, तो क्या कांग्रेस पटकनी देगी कुलदीप को? बिल्कुल देगी, आप देखना आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा आपके। ये कहते हैं ना, हमारा इस परिवार का 60 साल से कब्जा है, ये कब्जे कब्जे सब गए, अब लोगों को साथ देंगे जो पटकनी करने के लिए है। क्या कांग्रेस में अब मजबूती आएगी, क्या एकता होगी, क्योंकि पहले जो देखा गया था कांग्रेस में वो चीजें अब क्या नहीं रहेंगे? ये भाजपा का कुप्रचार है, कांग्रेस में कोई उग्रवादी नहीं है, ये अमीर अखबार, इनको मीडिया ने, मोदी जी ने मीडिया को सारा खर्च किया, ये मीडिया की उपज है, कोई फुट नहीं कांग्रेस में, कोई मीडिया की क्या है? जो चीजें देखने को आगे सामने आती है कि कुमारी सैलजा अलग बयान दे रही है, हुड्डा जी अलग बयान दे रहे हैं, और उनकी बातें अलग होती है, उनकी मीटिंगों में वो नहीं पहुंचते, और इनकी ये जो मीटिंगों में विचार जो है कहीं नहीं मिलते, पोस्टर पे जो उनकी तस्वीरें अलग अलग लगती हैं, बात की जाए तो किसी की तस्वीर गायब मिलती है, तो इस तरह की बहुत सी कांग्रेस भवन में भी तस्वीरें गायब मिली है, तो ऐसी चीजें वो आगे आगे बड़ा परिवार हो जाता है, परिवार बहुत बड़ा नहीं होता, नहीं होता, ये मान लिया किसी कार्यकर्ता को नेता को काम हो जाता है और वो किसी काम से नहीं आ सकता, तो मीडिया जो इस बात को फिर गलत तरीके से पेश करती है। कांग्रेस भवन में तस्वीरें लगाना या हटाना एक बड़ा विषय बन जाता है, वो कांग्रेस की नीति नहीं है, ये किसी स्थानीय कार्यकर्ता ने गलती करती है, वो महसूस करे हमारे से गलती हुई है, शैलजा जी हमारी बहुत सम्मानीय नेता है, यानी उन गलतियों की वजह से ही फूट नजर आ रही है? नहीं, कोई फूट नहीं है, ये आप फिर दोबारा ये बात पूछ रहे हैं, ये कांग्रेस का जो चुनाव होगा ना आदमपुरवाड़ा, जब आपको पता लग जाएगा फूट है, ये सारी बातें मिथ्या प्रचार हो जाए, मिथ्या प्रचार। अब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, मैं रेडियो सुनता हूँ, कमाल है, ऐसे ऐसे गांधी जा रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है, वो अपनी यात्रा प्रसन्न करें, आडवाणी जी ने भी यात्रा की, इनके नेताओं ने भी की, वो यात्रा करते हैं, इनको अपनी परेशानी हो जाती है, वो है केरल में रुके, वो रुके, उनके साथ मिले, ये बाउंड्री है हमारा बाउंड्री, ये कोई कम नहीं इनके तरफ, इनके पास इनकी जेब खाली है, करते हमारी जेब खाली है, कुछ नहीं है। मैं 56 साल से कोई उस टाइम तक गाँव का कोई आदमी सबको जानता नहीं था, मैं इमरजेंसी काल में 3 साल प्रचारक रहा हूँ, अंडरग्राउंड काम किया है, मेरे को इनके की बात का पता है, वहाँ मीटिंग में क्या करते हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, ईमानदार बनो, भाजपा परम भगत करे जाएंगे, सब झूठी बातें हैं, कोई परम भगत नहीं है, क्या ईमानदारी है, मोदी जी छापे मराओ, मैं नाम लेता हूँ, उनका छापे मरवा, आज ही पता लेते हैं कितनी ईमानदार, दूसरों का छापे मरवाते हैं, आप कभी भाजपा के लोगों को छापे मरवाए, अब दिल्ली वाले सीएम जब करण सिंह जी की तरफ छठे लगे दो प्रांत हो गए, गुजरात में भी छाट नहीं करते, जिसको इनसे ज्यादा बहन उसी की आलोचना करेगी, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये छापेमारी हो रही है, केवल उसको टारगेट करके जो हो रहा है, और मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मीडिया के अधिकारियों ये मत करो, आप सत्ता बदलेगी, आप नौकरी करते हैं, आपको नौकरी करनी है तो बड़ा दुख पाएगा, आपको भूखना पड़ेगा, मत करो ये काम, ये क्या आईडी है, मीडिया काम छापे मारना है मानता हूँ, गलत छापे ना मारो, अपने लोगों पर मरवाओ छापे, तब पता लगेगा इनको, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ दिलबाग सिंह आर्या जो है वो जुड़े थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बड़ी जानकारी हमारे साथ साझा की थी, और कुछ हो गया तो एक बड़ी अपडेट, लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं, और साथ में इस समय जो एक नाम और सामने आ रहा है, वह उस नाम के लिए भी मैं कहूंगा कि उनसे भी जल्दी ही जुड़ेंगे, वो भी शायद यहीं कहीं होंगे, और कैप्टन किरसे बगला, जी हाँ कैप्टन किरसे बगला भी जो है उनसे भी जुड़ेंगे, और आ चुके कैप्टन किरसे बगला भी, चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। सर किरसे बगला जी, आपने बीजेपी में इतने साल तक रहे और इतने बड़े बड़े पद जो है बीजेपी ने आपको दिए हैं, ऐसी क्या आई की आपने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जाए? देखने वाले छवि को कैप्टन किशन का बिग सलूट में सलाम करता हूँ। आपने जो पूछा, आपके पास इतने बड़े बड़े पद थे, इतने सालों से आप थे और देश की भी सेवा की है 38 साल तक, उसके बाद में बीजेपी ज्वाइन किया, उनकी नीति उनको देखते हुए फर्स्ट में अच्छा लगा, यह है अंत्योदय, गरीबी नीचे नीचे अंत तक पहुँचाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट में नारा था जय जवान जय किसान का, मैं उसी वजह से देश का जवान होते हुए और बीजेपी ज्वाइन की थी, लगातार मैं देखता आ रहा हूँ जो कि अनदेखी होती गई, बिल्कुल अनदेखी हो गई, उदाहरण के तौर पर अंत्योदय की कोई बात ही नहीं है जो गरीबी तक पहुँचने वाली, शिक्षा नीति बिल्कुल, जो भी स्कूल भी बंद कर दिए गए, गरीबों के बच्चे किसके पढ़ते हैं,
बड़े अमीरों के अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, वो स्कूल बंद कर दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को खिलाड़ी बनाओ, कहाँ से बनाएंगे पढ़ाएंगे, स्कूल ही बंद कर दिए। और वो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़ों के तो क्या है, अच्छे अच्छे हॉस्टल में बड़े बड़े बाहर भी पढ़ते हैं, ये गरीबी मिटाई इन्होंने। सर ये कहा जा रहा है कि जब आप इतने सालों से जो है बीजेपी में रहे, उस समय आपको ये चीजें नजर नहीं आई और आज अचानक से नजर आई, ऐसा क्यों? ठीक है संदीप जी, मैं फौजी होने के नाते से खुल कर वहाँ भी बोलता था, बोलने से नहीं रुकता था, सच बोलता हूँ और सच बोलता हूँ जो जीजा। फर्स्ट मेरे को अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे नीति घुल मिली होती गई और उसी हिसाब से एकदम नहीं होया, ये काफी दिनों से मूव बन रहा था। और फिर करण सिंह रानोलिया जी 2014 में आदमपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ा और 5 साल के अंदर वो सेना तैयार की, उस सेना में हम भी कुछ पदाधिकारी थे। ये पूरा आदमपुरा हल्का यहाँ पर आया हुआ है, उनकी सेना पूरी, उन्होंने वो काम किया, लेकिन उनका भी मान सम्मान नहीं रखा, हमारा मान सम्मान कहाँ रखने वाले थे। इस नीति को साथ देखते हुए हम विधायक करण सिंह रानोलिया जी के साथ बिल्कुल आज इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो काम आप बीजेपी में इतने साल में रहकर नहीं कर पाए, वो आप कांग्रेस में कर पाएंगे? ठीक बोलिया, आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, बीजेपी में मैं कई सालों से रहकर ये काम नहीं कर पाए, लेकिन अभी मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ इनकी नीति और नीयत को देखते हुए, और मैं इनके साथ हो रहा हूँ और बिल्कुल अनुशासन का सिपाही और खरा उतरूंगा जो भी ड्यूटी देंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। इतने पदभार आपको दिए गए थे, जिले की कमान आपको संभाली गई थी, आदमपुर का प्रभारी आपको बनाया गया था, और इतने पदभार होते हुए, इतनी जिम्मेवारियां होते हुए अचानक से कैसे विचार बना, अचानक से? क्योंकि ये देखिए, ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है लंबे समय से आप महसूस कर रहे हो, लेकिन अब अचानक से मन कैसे बना? ठीक बोले आपने, अचानक से कैसे बना जी, बताएं इसका जवाब। आदमपुर विधानसभा कुलदीप जी बोलते हैं 27 साल से वनवास है, कुलदीप जी का 27 साल से वनवास कहाँ है, आदमपुर वालों का 27 साल से वनवास, तो जो वहाँ विकास नहीं होया, और बीजेपी पार्टी ने कुलदीप जी को ले लिया, और जो जहाँ पर थे कार्यकर्ता जितने भी, सतेंद्र जी, सोनाली जी तो स्वर्ग चली गई बेचारी, करण सिंह रानोलिया जी, चेयरमैन डूडी जितने भी थे, और नीचे लेवल के बहुत थे जो सभी छोटे छोटे कुमारे दुखी होकर आ रहे हैं। तो क्या अब आगे और भी कार्यकर्ता होंगे जो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आएंगे, क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? इससे भी बड़ा होने वाला है, आप देखोगे कुछ ही महीनों में या दिनों में जो इससे बड़ा होने वाला है। क्या उसके लिए थोड़ा सा बताया, क्या बड़ा होने वाला है? नहीं ऐसा कुछ नहीं बता सकता, बड़ा होगा सबको पता लगेगा, बड़ा इससे भी बड़े होने वाले कार्यकर्ता बहुत आने वाले। जो सरकारी स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है, उस पर कांग्रेस क्या अपना पक्ष रखेगी? बिल्कुल पक्ष रखे है, अपने सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार वहाँ पर आ रहे हैं, और सरकार सतम आई उसी टाइम पहली कलम हमारी स्कूलों पर चलेगी, ये काम बिल्कुल बहाल कर दिया जाएगा, पहली कलम इसके से हाथ भी आए। जय हिंद सभी साथियों। फैसल बगला इस समय हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, और भी बड़ा होने वाला है, जो है कांग्रेस जो है कुछ बड़ा करने वाली है, आगे आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा करारा जवाब और बड़ा झटका जो है वो मिलने वाला है। करण सिंह रानोलिया के बेटे जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है, मैं जानने की अभी मेरे बात सुन रहा भाई पंडाल में आए एक बार, मैं जानने बहुत भागदौड़ इन्होंने भी की थी और लगातार पार्टी के लिए हर कार्य करते रहे। पवन खांडा इनसे बात भी मंच पर आने की कृपा करे। पवन खांडा मेरा सुनील रानोलिया नाम है जी। सुनील जी, आपने भी बीजेपी के लिए बहुत भागदौड़ की, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं तो युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और साथ में लेकर चलने का काम किया था, अब अचानक से आपके पिताजी और आपका कैसे विचार बना, क्या कहेंगे? इसमें हम शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े और बीजेपी से जुड़े, और जो इनकी नीतियाँ थी उनके अकॉर्डिंग हमने काम भी किया, और हम ईमानदारी छवि से काम भी किया है, लेकिन 2019 में उसके बाद जब थोड़ी अनदेखी होने लगी और अब इतनी वो आ गई है कि बिल्कुल ही अनदेखी करने लगे, जैसे मीटिंग में है कभी जिला की मीटिंग है उसमें बुलाते नहीं थे, कभी भी कोई सोचना है वो नहीं करते थे, तो इसको देखते हुए हमने ये कदम आज उठाया। तो मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से आपने बीजेपी के लिए काम करे हैं उसके बाद बीजेपी ने आपके साथ अन्याय करा है? हाँ जी,
तो आज इस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो क्या कोई शर्त के साथ आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं बगैर किसी शर्त के? बगैर किसी शर्त के हम ज्वाइन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो इन्होंने कहा कि जो है आज बड़ा सैलाब इसमें आएगा बगैर किसी शर्त के, जो है आज जो है कांग्रेस ज्वाइन की जा रही है। सैकड़ों लोग इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ने जा रहा है। और अभी जो है लगभग 12 बजे और 12:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पहुँचने वाले, दिल्ली से बताया जा रहा है कि उनका हवाई जहाज जो है हेलीकॉप्टर जो है वो चल चुका है और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं जल्दी। धन्यवाद, वीडियो को शेयर कीजिए। गुरुमंडल अध्यक्ष।